टीवी 9 भारतवर्ष के ऐतिहासिक स्टिंग ऑपरेशन में अब तक आपने चुनाव में काले धन का इस्तेमाल करने वाले सांसदों और पूर्व सांसदों का खुलासा देखा। अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसे नेता का सच जो सांसद बनने की तैयारी कर रही हैं। जी हां, राजस्थान के इस नेता को कांग्रेस ने जयपुर शहर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। पूर्व मेयर रही इस महिला नेता से हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स तब मिले जब इनका टिकट कन्फर्म नहीं हुआ था और वो अपने पति के साथ दिल्ली में पार्टी दफ्तर के चक्कर लगा रही थी। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स जो 5 रिपोर्टर्स की टीम है उससे जयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी और उनके पति की 2 मुलाकातें हुई। सांसद बनने के सपने देखने वाली कांग्रेस की इस लीडर ने खुफिया कैमरे के सामने खुलकर कहा कि चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने कम से कम 10 करोड़ रुपए की जरूरत उनको शायद पड़ेगी। जी हाँ, जयपुर की पूर्व मेयर और उनके पति ने बताया कि चुनाव में सबसे ज्यादा खर्चा बूथ मैनेजमेंट में होगा, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होंगे। दोनों ने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स को भरोसा दिया कि चुनाव लड़ने के लिए अगर उन्हें 5 करोड़ मिलते हैं तो जीत के बाद उन्हें सरकारी टेंडर से नवाजा जाएगा। TV9 भारत वर्ष के स्टिंग ऑपरेशन में अब बेनकाब हो रहा है वो चेहरा जिस पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दांव खेला है। नाम ज्योति खंडेलवाल। 2019 के सबसे बड़े चुनावी संग्राम में ज्योति को कांग्रेस ने जयपुर शहर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। कभी जयपुर की मेयर रही ज्योति खंडेलवाल पहली बार सांसद बनने की तैयारी कर रही हैं। तैयारी ऐसी कि देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का ऐसा इस्तेमाल आपने कभी नहीं देखा होगा। जगह कनॉट प्लेस, नई दिल्ली। तारीख 25 मार्च 2019। वक्त दिन के 11 बजे। ये कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल से हमारी अंडरकवर टीम की दूसरी मुलाकात थी। पहली बातचीत जयपुर में हुई। तय हुआ हम जल्द ही दिल्ली में मिलेंगे। तब जयपुर शहर सीट के उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई थी। टिकट के लिए वे अपने पति के साथ दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर्स के चक्कर लगा रही थी। स्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब हुए बाकी बिकाऊ नेताओं की तरह ज्योति और उनके पति से भी हमारी खुफिया टीम एक फर्जी कंपनी का नुमाइंदा बनकर मिली थी। हमने पूछा, टिकट कंफर्म हुआ तो चुनाव लड़ने की क्या रणनीति होगी, कितना खर्च आएगा? जवाब बेहद चौंकाने वाला था। तो एक क्या एक्सपेक्टेशन है, आप कितना फंड आपको एक कितने इस समय नीड आपकी सबसे? एमपी का इलेक्शन जयपुर का बड़ा इलेक्शन, वहाँ तो बात ही हो रही है इस समय, वहाँ यू भी है मोड में, खर्चा होगा कैसे होगा, कौन कर पाएगा, वो भी देख रहे हैं कैंडिडेट में, वो ही देख रहे हैं जो कैंडिडेट सामने आएगा वो खर्च कर लाएगा, पार्टी किसी को कैंडिडेट को दे रहे टिकट तो खर्च नहीं कर सकते, तो बेसिंग वेज नहीं आ जाए, पार्टी कभी भी नहीं जाएगी, पार्टी की रामचरण बोरा बहुत पैसा बात हुई हमारी, कल भी बात हुई हमारी, एक बार फिर से सुनिए खुफिया कैमरे पर ज्योति के पति का ये कबूलनामा। कांग्रेस उम्मीदवार के पति शरद खंडेलवाल कह रहे हैं, पार्टी तो कैंडिडेट की ताकत देखकर ही टिकट देती है। ताकत का मतलब कौन कितना खर्च कर पाएगा, कहीं फंड की कमी से पार्टी उम्मीदवार को हार तो नहीं झेलनी पड़ेगी। गौर से सुनिएगा। एक क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना फंड आपको एक कितने इस समय नीड आपकी सबसे? एमपी का इलेक्शन जयपुर का बड़ा इलेक्शन, वहाँ तो बात ही हो रही है इस समय, वहाँ यू भी है मोड में, खर्चा होगा कैसे होगा, कौन कर पाएगा, वो भी देख रहे हैं कैंडिडेट में, वो ही देख रहे हैं जो कैंडिडेट सामने आएगा वो खर्च कर लाएगा, पार्टी किसी को कैंडिडेट को दे रहे टिकट तो खर्च नहीं कर सकते, तो बेसिंग वेज नहीं आ जाए, पार्टी कभी भी नहीं जाएगी, पार्टी रामचरण बोरा बहुत पैसा बात हुई हमारी,
कल भी बात हुई हमारी। आगे ज्योति और उनके पति ने बताया, जयपुर शहर सीट से चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपए चाहिए। खर्चा मोटा होगा, लेकिन उन्होंने पार्टी में अपनी दावेदारी रख दी है। पैसे की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। टीवी 9 भारतवर्ष का खुफिया कैमरा इन दोनों की एक एक बात रिकॉर्ड कर रहा था। जयपुर का चुनाव जो मानते हैं 10 के आसपास का खर्चा, 10 का खर्चा मानते हैं, 10,000 के आसपास, 10 करोड़ जो मान के चल रहे हैं। तो नहीं करा पाएंगे, हम 5 तक लाने नहीं, वो तो बिल्कुल बिल्कुल, चाहे हो चाहे नहीं हो, लड़ना तो है। हमारी पार्टी में बल्कि बता रहा हूँ, बात आ रही है इतना मोटा खर्चा है, मैंने चुनाव लड़ना है, लड़ रहे हैं, जीतने के लड़ रहे हैं, और जीतने में पैसा आड़े नहीं आएगा, पैसा जो है ना, मतलब हमसे बोला बोलने कल चल पैसा वैसा खर्च होगा मोटा, उसमें दिक्कत तो नहीं आएगी ना। अच्छा साहब, हाँ बात तो भाई कल ही हुई है, मैंने कहा पैसे की वजह से चुनाव कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अपनी पार्टी की वजह से दिल्ली में कोई आप छोटे छोटे डिसीजन ले लोगे ना, उसकी वजह से दिक्कत आएगी, अलग बात है। हम चुनाव लड़ेंगे, जीतने के लड़ रहे हैं, हम कोई एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट से चुनाव लड़ रहे हैं। देखा आपने, लोकसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी कंफर्म करने के लिए ज्योति खंडेलवाल और उनके पति ने ऐसे रखी अपनी दावेदारी। खुफिया कैमरे से बेखबर इन दोनों ने AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नाम लिया। ये वो कमेटी है जो कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने में अहम भूमिका निभाती है। सवाल ये है, क्या पैसे के दम पर ही ज्योति खंडेलवाल ने अपना टिकट पक्का करवाया? टीवी 9 भारतवर्ष के अंडरकवर रिपोर्टर्स ने आगे ज्योति खंडेलवाल और उनके पति से पूछा कि 10 करोड़ रुपए की मोटी रकम आखिर चुनाव में कहां खर्च होगी। इसका जवाब बिल्कुल तैयार था। कोई बजटिंग बनाएंगे अपने, कैसे उसमें कितना क्या करेंगे, कुछ अभी आपने बताया 10 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, बताया कि दो दो हमारे 8 विधानसभा पिछली बार जो चुनाव था रामगढ़ बुरा रिजल्ट 10 से ऊपर इस बार थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च हुआ, बता दी गई होगा मैंने सुनने को उसमें पैसे दे दिए। रामचंद्र बुराई के चुनाव में 10 से ऊपर खर्च हुआ था, उस सब के बाद 5 साल बाद अपने मान दिए, अपन जैसा उसमें नया चुनाव था वैसा चुनाव करने से नहीं, अपन जहाँ जरूरत हो वहाँ पैसा खर्च होना चाहिए। जी हाँ, ये है चुनावी तैयारी का वो काला सच जो देश के सामने आना बेहद जरूरी है। ऑपरेशन भारतवर्ष में अब तक आपने सांसदों और पूर्व सांसदों की असलियत देखी। आपने देखा कैसे चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाकर चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। अब देखिए, पहली बार लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाली इस कांग्रेस नेता की तैयारी, कैसे ज्योति खंडेलवाल और उनके पति ने मिलकर चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंकने का पूरा प्लान बना लिया है। एक तो सबसे ज्यादा मेन तो होता है सेम डे,
सेम डे सारे जो बूथ है करीब 1800 बूथ है, हर बूथ पे बंदे बैठते हैं अंदर और बाहर, अंदर ही बैठते उधर बैठते हैं, तो सारा डिले सारा सिस्टम होगा, सबका उस दिन का पूरा सुबह नाश्ते का खाने का सारा सिस्टम सेम डे होता है। अच्छा एक बाहर टीम लगती है और अंदर बैठते हैं, दो अंदर का होते हैं दो बाहर होते हैं, देखिए हर टेबल पे तक 10-25 जने हर बूथ होते हैं, जब देखते हैं ना अपने समर्थक जो वोट निकालने वाले भी होते हैं, बैठने वाले पर्ची बनाने वाले भी होते हैं, हर विशाल बार हर हर विशाल हर बूथ पर अपने लोग हर बूथ पर अपना एक माहौल रखने के लिए अपने भाई आगे सोचो, एक बूथ पर जो है करीब 1100 से लेकर 1500 के बीच में वोटर होता है, अगर वहां पर अपने 15-20-25 लोग एक बूथ पर खड़े नहीं है तो अपने क्या पकड़े वहां। सही बात। जयपुर शहर लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार ज्योति खंडेलवाल के पति को एक बार फिर सुनिए, देखिए इलेक्शन कमीशन को झांसा देने के लिए कैसे काम करता है एक और दो नंबर का ये सिस्टम। तो अच्छा जैसे हम आपको 5 करोड़ जो देंगे वो मतलब कैश में कि किस तरीके से आप मतलब वोट क्या रहेगा वो दतना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एक नंबर का सिस्टम रहेगा, करना पड़ेगा एक नंबर का सिस्टम, जो नॉर्म्स के हिसाब से जितना खर्च करना उसके उसमें भी 10-20 लाख रुपये कम ही बताएंगे, जैसे हर 10 लाख का खर्चा नॉर्म्स के हिसाब से करना है अपने को, तो बड़ा 4-5 लाख रुपये का चला के देखेंगे इतना ही खर्चा हो रहा है, सोचिए दो नंबर के पैसे यानी ब्लैक मनी के बल पर अगर कोई नेता चुनाव लड़ेगा तो चुनाव जीतने के बाद वो क्या करेगा, काले धन के सामने नतमस्तक होने वाला नेता क्या देश को भ्रष्टाचार मुक्त कर पाएगा। TV9 भारत वर्ष के अंडरकवर रिपोर्टर्स ने कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल को चुनाव में 5 करोड़ की मदद दिलाने का भरोसा दिया, पूछा पैसे के बदले उन्हें भविष्य में कैसी मदद मिलेगी, जवाब में ज्योति खंडेलवाल ने जो कहा वो आपको परेशान कर देगा। पाँच साल एक अच्छा टेन्योर मिलेगा तो उसमें हमारा थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, एमपी फंड में काफ़ी वो रहता है, ठीक है ना, कई बहुत सारे काम होते हैं, हो जाएगा सर, हो सर हो जाएगा, वही बता रहा हूँ टेंडर आपको देनी है, किसी किसी को देना है और टैंक देना ही आपको, मैं कह रहा हूँ अगर जी हाँ, खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो चुके इस खुलासे को कांग्रेस के हाई कमान राहुल गांधी जरूर सुन ले। जयपुर शहर लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार ज्योति खंडेलवाल ने टिकट कंफर्म होने से कुछ ही दिनों पहले किया ये सनसनीखेज खुलासा। TV9 भारत वर्ष की अंडरकवर टीम को ज्योति ने कहा वे सांसद बन गई तो टेंडर जरूर मिलेगा, अगर चुनाव में 5 करोड़ की मदद मिली तो बदले में सरकारी ठेकेदारी जरूर मिलेगी, काले धन के दम पर चुनाव लड़ने को तैयार कांग्रेस की ये नेता पूरी तरह बेनकाब हो चुकी हैं। सवाल ये है ऐसे भ्रष्ट नेताओं को संसद तक पहुंचने से आखिर कैसे रोका जाए। ये कांग्रेस की तीसरी नेता हैं जो स्टिंग ऑपरेशन में खुफिया कैमरे में कैद हुई हैं, ज्योति खंडेलवाल जयपुर शहर सीट से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हैं, और अब देखना यह होगा कि इस स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद जिसमें साफ तौर पर खंडेलवाल जो हैं, जो ज्योति खंडेलवाल हैं, वो 5 करोड़ रुपए लेकर सरकारी टेंडर दिलाने की बात भी कर रही हैं, अब क्या ज्योति खंडेलवाल कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार रहेंगी, क्या राहुल गांधी उनकी उम्मीदवारी को अभी भी कायम रखेंगे या रद्द करेंगे।